आप सभी का स्वागत करता हूँ सैटरडे कॉमन बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेरा आपने और आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल ई कॉर्नर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नसीर खान जी का कमेंट्स मिला है, ऑनलाइन स्टोर की फ्रेंचाइज लेने के लिए शपेक लाइसेंस चाहिए। कौन सा शपेक लाइसेंस चाहिए? इसमें आप ये मास्टर के लिए, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप मास्टर के लिए शपेक यूज़ कर सकते हो, या आप इसमें उद्योग आधार भी यूज़ कर सकते हो। उद्योग आधार ऑल इंडिया जो है अभी यूज़ हो रहा है, सभी जगह पे एक्सेप्टेड है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अननोन डिवाइस का इनको एरर आ रहा है डीजीपे में यूज़ करने के लिए, प्लीज़ यूज़ रजिस्टर्ड डिवाइस। इस तरह से एक एरर आ रहा है यहाँ पे, इनको बताना चाहूँगा कि अगर कोई नया डिवाइस परचेज करते हो तो उसमें सबसे पहले उसको रजिस्टर करना होता है आधार के द्वारा UIDAI के पास में। तो अगर आपने इसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया या आपका डिवाइस जो है रजिस्टर डिवाइस नहीं है, तो सिंपली आप बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि आपको आपके डिवाइस रजिस्टर करके देंगे, जिसमें आपको कुछ जो वेबसाइट है वो वेबसाइट साल भर के लिए, दो साल के लिए इस तरह से रजिस्टर करके दे रही है अभी। उसमें जो है उनके कुछ चार्जेस भी लग रहे हैं, जैसे कि 300, 400, 500 रुपये तक भी उनके चार्जेस लग रहे हैं। वो चार्ज देख के भी आप जो है अपने डिवाइस रजिस्टर करवा सकते हो, या अगर कहीं में फ्री में अगर हो रहा है तो आप वहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो। और डीजीपे में अगर आपको ये एरर आ रही है तो आप सिंपल डिजिटल सेवा पोर्टल में आधार रजिस्टर डिवाइस के नाम से एक सर्विस है, उसको भी आप एक बार यूज़ करके देखिए। अगर वहाँ से काम हो जाता है तो सबसे अच्छा काम होगा। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स मिला है अक्षय सर जी का, जो कि कह रहा है कि यहाँ पे ये देखिए सुनील शाहू, सर अभी ऐसा पेज नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि अभी पेज चेंज हो चुका है, तो जल्दी इसका वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये फिर से जब शुरू होगा तुरंत ही आपको वीडियो बना के जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दानेश्वर जो सर जी ये कह रहे कि अब चालू नहीं है कि सर, हो सकता है अभी कुछ ये महाऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया है। आई एम अनेबल टू डाउनलोड सर्विस रिसिप्ट, तो ये रिसिप्ट जो है शॉपएक्ट की डाउनलोड नहीं कर पा रहे। इनको बताना चाहूँगा कि शॉपएक्ट को अगर दिक्कत आ रही तो इसमें वेट कीजिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस जो अभी चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो नए नए इनके जो रूल है रूल इसमें अप्लाई कर रही है, और इसमें जो है नए नए फीचर्स जो है और कुछ नए नए इसके अंदर जो है फीचर्स के साथ साथ में शॉपएक्ट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी चल रहा है। तो आपसे निवेदन करूँगा आप उद्योग आधार निकालिए ताकि आपको भविष्य में कुछ दिक्कत ना हो, और उसके साथ ही साथ ये शॉपएक्ट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा चेंजेस में जो है वो आ रहा है। दूसरी देखिए यहाँ पे थाने ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उनको बताना चाहूँगा सिद्धराज जी को कि हो सकता है कि थाने में इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे ही रिक्वायरमेंट इसमें आएगी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। शपक लाइसेंस कैसे मिलता है? बाय मेल और पोस्ट, तो इनको बताना चाहूँगा, ये कमेंट्स में पहले भी पढ़ लिया था, इनको बताया था कि शॉपेक का लाइसेंस जो है वो लाइसेंस आपको मेल पे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको शॉपेक के अंदर जो आपने महाऑनलाइन का जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप बनाया था सिंपली वहीं से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के कॉमेंट्स सैटरडे कॉमेंट बॉक्स। देखिए अभी ये 12 भी बज चुके हैं, तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। जल्दी मिलेंगे ऐसे नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।